वो मर रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, वो किसान नहीं है, वो चोर है। लेकर पाकिस्तानी पाकिस्तानी यहाँ आएंगे, किसान सम्मान निधि, किसान को किसान को दुख। अरे 2000 रुपया नून में चला मिलो, 2000 रुपया निधि पर बताए लेकर राशन मिल रहा है, फ्री राशन का अपने घर से दे रहे हैं, हमसे वसूल ला रहे हैं। कहाँ के विकास यार, ये तो जेम कट रही है, सामने से जेम कट रही है मेरे भाई। ये ठाकुर साहब जो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, फसले मेरे सामने की बात है, आज डंडा लग के जय साड़न बजा रहे हैं। वो तो संतुष्ट है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या कर रहे हैं। A1 न्यूज इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। स्वागत है आपका A1 न्यूज इंडिया में, मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में है और 2022 को लेकर सभी दावेदार, नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के जो दावेदार हैं, लगातार क्षेत्र में जनता के बीच जाकर दावे करने में लगे हुए हैं, अपने अपने दांव पेच आजमा रहे हैं। लेकिन आज हम जानने के लिए निकले हैं कि वास्तव में नवाबगंज विधानसभा में एक विकास हुआ है, जो विकास की लहर बताई जाती है। बीजेपी सरकार में कई तरह की योजनाएं चल रही, बीजेपी सरकार की मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत फ्री इलाज मिल रहा है, सौभाग्य योजना के तहत बिजली मिल रही है। आज हम ज़मीनी हकीकत जानने पहुंचे हैं नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के भौआ बाजार में। इस समय हम जो मौजूद हैं, काफ़ी बड़ा गाँव है ये और मेन मार्केट में ही मौजूद हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। हम इनसे जानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है, उनका क्या मूड है। क्या नाम है आपका? साकिर कुरैशी। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में है, कुछ समय बचा है, क्या राय है आपकी, जो अब तक इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में जो विकास हुआ है, कितना आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या, जो काम विकास सरकार करेगी, जो कर रही है बढ़िया करेगी और जो अच्छा करेगी वही सरकार सही है। आगे जो चुनाव आ रहा, इस सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? अब जो सरकार है, जो अच्छा करेगी वही बनना चाहिए, वो सही करेगी। अब तक कैसा विकास हुआ है? अब तक कैसा विकास हुआ है? विकास क्या, जो चल रहा है वो सही है, वो जो बनेगी, जो काम सही करेगी ठीक ठाक वही बनना चाहिए आगे। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ आपको मिल रहा है? हाँ, लाभ कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है। जो जिसमें हम फंस रहे हैं, जिस योजना में, बस उसी मिल रहा है, बाकी और कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और गैस कनेक्शन हमारा है उज्ज्वला का, लेकिन गैस इतनी महंगी है कि हम ले नहीं पा रहे हैं। कहाँ महंगी है, 900 रुपये? हाँ, पहले तो 400 रुपये थी, तब ले लेते थे, 600 हुई, 700, 800, इसके बाद अब राशन मिल रहा है आपको जी, फ्री इलाज भी मिलता होगा? इलाज हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबी रेखा से ऊपर हैं। बिजली कनेक्शन भी आपको फ्री मिला होगा? हाँ, कनेक्शन फ्री मिला, मगर बिल बहुत हो गया, अब इतना हो गया कि 16,000 या 18,000 हो गया। सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, सरकार से कुछ संतुष्ट हैं, लेकिन अब आगे हम नहीं बताएंगे कुछ। अच्छा, तो लेकिन के बाद अब हमारे अगले हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव में जी, विधानसभा चुनाव में आप किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? कोई सही इंसान हो, बस पूरे हमारे प्रदेश का विकास करे, गरीबों को साथ लेकर चले, जे नहीं अमीरों का पेट भरे, गरीबों का पेट काटे, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। बीजेपी को दोबारा देखना चाहते हैं? कोई भी बने, हमें इससे फर्क नहीं, फिलहाल इससे और बढ़िया सरकार बने, भले ही जहाँ बीजेपी के बने, समाजवादी के बने, कांग्रेस की बने, लेकिन इससे और बेहतर काम करें। तारीफ़ करते करते अपने शब्दों में बयां कर दिया कि कोई भी सरकार बने, इससे बेहतर काम करे। उन्होंने जाहिर कर दिया बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं यहाँ पर जी, क्या कहना चाहेंगे, इस समय जो सरकार चल रही है आप कितना संतुष्ट हैं उससे? मैं, इसमें काम कम हुआ है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हुआ है, ये आप कैसे कह सकते हैं काम कम हुआ है? काम कम, ये घास खड़ी है, कहाँ सफाई नहीं हो रही गांव में, राशन फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, इलाज फ्री मिल रहा है, बिजली सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं? बिजली फ्री नहीं है, उसका पैसा जा रहा है। कनेक्शन तो फ्री है? कनेक्शन भी हमारा फ्री नहीं, बस और लोगों को मिल रहा है। राशन तो मिलता है? राशन मिल रहा है लोगों को, फिर आप क्यों संतुष्ट नहीं है? भाई काम नहीं दिख रहा है ना इसमें, इसलिए बदलाव होना चाहिए, दूसरी पार्टी आ जाती है उसको आना चाहिए। क्षेत्र में विकास नहीं दिखा आपको? नहीं, विकास नहीं है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा है। फिर आप कौन सी सरकार को चुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी आना चाहिए। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की तरह से जो है कौन सी अच्छा वोट उनका दिख रहा है, काम करा हुआ है, जो भी पहले काम आज भी दिख रहा है काम। योगी जी ने भी तो बहुत काम कराया है। बहुत कम काम हुआ, काम नहीं है बहुत, और कुछ बात हो रही है। आप संतुष्ट नहीं? नहीं, हम संतुष्ट। युवा बैठे हुए हैं, नौजवान, जैसा कि
रोजगार को लेकर जो वादा किया गया था, सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं से हम जानते हैं वो कितना संतुष्ट हैं। जी आपका क्या नाम है? जी मुजफ्फर अंसारी। क्या काम करते हैं? कारचोप का काम करते हैं। कारचोप का जी। जैसा कि सरकार के जो वादे हैं, दावा किया सरकार ने कि युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, तो आपको तो नौकरी मिलना चाहिए थी, पढ़े लिखे नहीं आप? जी पढ़ाई तो की है हमने जी, इंटर किया है, लेकिन अब बात जो आप बोल रहे हैं बात तो वो ठीक है, कुछ लोगों को मिल रही नौकरियां, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो कई वर्ग के लोग रह जा रहे हैं, पीछे रह जा रहे हैं, और कई वर्ग के लोग जो है पहुँच रहे हैं। अब वो तो खैर सरकार की एक अपनी नीति है, अपनी मंशा है, पावर में है, जैसा चाहेगी वैसा करेगी। फिलहाल बेहतर फैसला जो अभी हमारे एक भाई ने कहा कि बदलाव, बदलाव जो है सरकार में होते रहना चाहिए, चाहे वो गांव की सरकार हो या फिर राज्य की हो या फिर कहीं की कोई भी सरकार हो, पांच सरकारें हैं अपने देश में, तो लगातार बदलाव होता रहना चाहिए। आप भी बदलाव चाहते हैं? जी जी बिल्कुल जी। क्या कहना चाहेंगे भाई? जफर भाई ठीक बात बोल रहे हैं, बदलाव ज़रूरी है, हम सही या कोई और सही, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। इसमें यह है कि एक दूसरे को चांस मिलता रहता है। तो इस सरकार में आपको ऐसा क्या लगा जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं? इस सरकार में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है इस सरकार में? भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या बदलाव हुआ कुछ भी तो कुछ सब हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन अब कुछ लोग इसे मैं सही या कोई और सही इस पे लेके बहुत से लोगों की ओपिनियन ऐसी होगी जो बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके दिल में ये है कि सरकार चेंज होना चाहिए या कुछ भी सही, लेकिन बदलाव ज़रूरी है। रोजगार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? रोजगार में क्या कहें, रोजगार में रोजगार का कोई माहौल ये भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ रोजगार है। आदमी यहाँ से 90% आदमी गांव से बाहर जाता है, ठीक है, बाहर जाने के भी सब लॉकडाउन ने सब कुछ गड़बड़ कर रखा था। इस समय रोजगार की जो बात कही जाती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। यहाँ पे जो युवाओं से हमने बात की है तो युवाओं का कहना कुछ और है। फिलहाल और भी युवाओं से हम बात करते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे जी? रोजगार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, यहाँ रोजगार को लेकर काफ़ी बड़ी समस्या है, काफ़ी रोजगार के विषय यहाँ झेलना पड़ता है लोगों को। यहाँ के काफ़ी लोग रोजगार के जरिए बाहर जाते हैं, यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है, सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है जिसका जिससे यहाँ कोई साधन हो, कोई व्यवस्था हो, कोई यहाँ रोजगार मिले, तो यहाँ काफ़ी लोग बाहर जाते हैं। आप क्या काम करते हैं? जी मैं समाज सेवी हूँ, समाज सेवा करता हूँ। सरकारी नौकरी के लिए आपने कभी अप्लाई किया था? जी मैंने तो अप्लाई नहीं किया, काफ़ी लोग बताते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, पर इतना फार्म पड़ जाता है, किसी का नंबर ही नहीं आता। लग वो लोग पाते हैं जो अपनी पहले ही से कर लेते हैं सेटिंग, वही लोग लग पाते हैं, और काफ़ी किसी के नंबर आते ही नहीं। अच्छा, वर्तमान में जो सरकार चल रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? इस सरकार से हम कतई संतुष्ट नहीं, हम इसे 0 नंबर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं आगामी चुनाव में 2022 में चुनाव हो, उसमें कांग्रेस की सरकार बने, 2022 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार। प्रियंका जी, हमारा मानना यह है कि प्रियंका जी अगर मुख्यमंत्री बनी तो काफी बदलाव होगा, और अगले 2024 में लोकसभा चुनाव होगा जो उसमें राहुल जी अगर प्रधानमंत्री बन के आएंगे तो बहुत ही गरीबों को लाभ मिलेगा, इसमें हर गरीब वर्ग को काफी लाभ मिलेगा, मेरा ये मानना है। बदलाव चाहते हैं? जी बदलाव चाहते हैं। जी पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम शफीक अहमद उर्फ जादूगर के नाम से फेमस। जी वर्तमान में जो सरकार चल रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान में जो सरकार चल रही है इससे क्या संतुष्ट हूँ, जो समाजवादी पार्टी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो भी योजनाएं जो चलाई थी वो सारी सरकार ने ख़त्म कर दी। जैसे समाजवादी पेंशन थी किसको मिल रही है, सारी ख़त्म हो गई। लेकिन इस सरकार में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, भ्रष्टाचार क्या विकास हुआ है? समाजवादी पार्टी ने जो 3 सेट आप देख रहे हैं जहाँ पर आप प्रोग्राम चल रहा है, जरा हटिए जरा सेट से कैमरा लगाना, ये संपत्ति किसकी है? ये भी तो सरकार की है, ये समाजवादी पार्टी यानी उसकी सरकार में ये बनी थी। अब आज नीचे से आप देखें सारे गल्ला हैं, इसके कोई देखने वाला है? नहीं, युवाओं को रोजगार मिला, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, मुफ्त राशन मिला, तो ये मिला, फिर आप संतुष्ट क्यों नहीं है? अरे हमारा तो ये मानना है कि इस सरकार में जितनी भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो भी योजनाएं चलाई थी केवल उनके जो फीते काटने काम कर रहे हैं, उनके कामों के ऊपर अभी इन्होंने नया कोई कार्य नहीं कराया। सर बताओ कौन सा काम करा इन्होंने अभी तक? कोई काम नहीं करा नया। नहीं, इतने काम किए, सब कुछ फ्री दिया। एक बताएं आप, अखिलेश यादव ने राशन दिया था, ये बताएं। अखिलेश यादव की हम तुम्हें योजनाएं बताएं, जैसे 100 नंबर हर चौराहे पर आप देख लें। अब अगर ये बात योगी जी ने नाम बदल के 112 कर दिया, क्या गलत किया? यही तो विकास है इनका। नहीं, गलत किया 112। केवल इनका ये काम है जो
पूर्व में जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, उनका जो काम था जैसे 100 नंबर थी, 19 में जो विकास कर दिया 112 नंबर कर दिया, तो ये क्यों विकास हुआ? विकास नहीं मानते ये विकास हुआ, परिवर्तन हुआ इसमें। 112 नंबर हर चौराहे 100 नंबर थी, अब इनने सोचा क्या नया करें, पैसे ले रही जी क्या नया करें, तो उन्होंने 112 नंबर कर दिया, बोले जी हमारा विकास है। आयुष्मान योजना के तहत आपको जो है इन्होंने एक काम बहुत बढ़िया करा इस सरकार ने जी, वो कौन सा काम करा, इनने सोचे कि सरकार अखिलेश यादव ने तो 100 नंबर दी थी, गरीबों के लिए एम्बुलेंस सेवा दी थी, कि पहले के टाइम में लोग किसी का डिलीवरी केस होता था तो बहुत सी हमारी माँ बहनें ऐसी थी कि गांव में ही दम तोड़ देती थी, वो सही जगह अस्पताल में नहीं पहुंच पाती थी। आप उस योजना के तहत नंबर डायल करिए, तुरंत एम्बुलेंस सेवा मिलेगी, कितनी जानें बचा रहे हैं। इनने क्या काम करा, उसका भी नाम चेंज कर दें, ऐसे करके हर ज़िले के नाम चेंज करें, जी ये विकास है, केवल इन्होंने क्या काम करा, हिंदू मुस्लिम जी करवाते रहेंगे, इसी में कोई मुद्दा छोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे जी। अब इन्होंने ये काम जरूर करा कि 100 नंबर अगर अखिलेश ने दी तो इन्हें सोचा, अरे ये तो इनने बहुत चर्चा हो रही इनकी, तो 112 कर दी, उसके बदले में इनने क्या काम करा, इसकी तो 100 नंबर तो हर चौराहे पर खड़ी मिलेगी आप, कोई राहजनी नहीं मिलेगी, उसके एवज में इनने हर चौराहे पर सांड देवता जरूर खड़े कर दिए, हर किसान के खेत में गाय सांड ये कर दिया इनने, सुरक्षा की है आवारा पशुओं को लेके योगी जी, बहुत बड़ी सुरक्षा। आप जरा बाजार में हमारे कैमरे डाल के देखें, अभी दो तीन दिन पहले उधर भतपुरा बिलाग में कई औरतें जान से, आज के समय में किसानों की फसल भी सुरक्षित होगी, बहुत बढ़िया सुरक्षित है, जिस खेत में पहुंच जाते हैं उस टाइम जो समझ लो किसान की बल्ले बल्ले हो रही है। नहीं आप क्या गौशाला नहीं है, आवारा पशु तो हमारे इधर, अरे गौशाला की अगर हालत देख लेंगे आप, गौशाला में आप जाके देखिए उसे कोई चारा खिलाने, इससे तो बढ़िया जो जंगलों में घूम रहे हैं उनका पेट जब भी भर रहा है, ये किसानों के लिए बहुत बड़ा विकास दे दिया है कि जिनकी फसल खड़ी है बेचारे की, इतनी मेहनत से उनने फसल में अपनी लागत लगाई है और रात को बेचारे टाड़ बांध बांध के वहाँ रखा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार जो है किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी तो लाभ पहुँचा रही है। 2000 रुपये क्या लाभ है उसका, 2000 रुपये जी तो वो है कि बस किसान सम्मान निधि मिल रही है। नहीं आप 2000 रुपये तो बता रहे, किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको 2000 रुपये मिल रहे हैं, मुफ्त राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सिलेंडर मिल रहा है, राशन तो पहले भी मिलता था, जो आप पहले लाइन में लगते थे सिलेंडर के लिए, आप लाइन में लगते थे, आज घर घर जो सिलेंडर खुद पहुंच रहा है। आज वो हालत है गैस की, लोग लकड़ी लेने को मजबूर हो गए हैं, गैस सिलेंडर अगर मुफ्त में दे दिया उससे ज़्यादा करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया सरकार ने। पहली बात तो गैस सिलेंडर जो लोग कह रहे हैं कि कनेक्शन फ्री था, कितने लोग ऐसे हैं जिनसे पैसा नहीं लिया गया है, मेरे अंदाज से तो हर व्यक्ति से 100-100 रुपये लिए, किसी 100 रुपये किसी 500 रुपये काहे का फ्री, चलो ठीक है मान लिया गैस कनेक्शन दे दिया, आज की कीमत देख रहे हैं गैस की कितनी, 445 रुपये में या 455 रुपये का जिस टाइम पिछली सरकार में सिलेंडर था, आज करीब करीब 900 से ऊपर हो गया, 920 रुपये का है, कहाँ का विकास यार, ये तो जेम कट रही है सामने से, जेम कट रही मेरे भाई, सिलेंडर दे दिए। अभी आपके देखा अभी हम अपनी एक नई साइकिल लेके आए, क्यों लेके आए, वैसे मोटरसाइकिल तो चलते थे, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, 100 रुपये लीटर आपको महंगा लग रहा है, यही एक विकास है, महंगा नहीं है, डीजल आप देख ले किसान इतना परेशान है। नहीं किसान तो परेशानी नहीं है, सरकार के जो वादे हैं सरकार लगातार कह रही है किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आंदोलन जो कर रहे हैं वो खालिस्तानी पाकिस्तानी है, किसान नहीं परेशान है, किसान इतना परेशान है 100 रुपये का डीजल, कितने का डीजल है जी, नहीं किसान वो नहीं है, सरकार कह रही है वो किसान नहीं, किसान को परेशानी नहीं है, आप अपनी आत्मा सच्चाई दिल पर धर के कहिए वो किसान नहीं है चाचा, अरे आप कहें ना, सरकार कह रही है, अरे आप कहें कि वो किसान नहीं, सरकार कह रही है, सरकार कह रही है क्षेत्र के किसान जो है खुश हैं, अरे आप लेते हैं आप कहें कि वो पाकिस्तानी है, आप कहें ना इसमें नहीं, लगातार आप देखते होंगे, लगातार देख रहे समाचार देख रहे, वो मर रहे हैं वहाँ, मर रहे हैं भूखे मर रहे, वो किसान नहीं है, वो चोर है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी यहाँ आएंगे। अच्छा तो किसानों को क्या परेशान,
परेशानी है? किसानी क्यों नहीं परेशानी है? उनका क्या राइट गन्ना जा रहा है, पेमेंट सारा वो नहीं हो रहा है, क्या क्या किसान सम्मान निधि किसान को किसान को दुख। अरे 2000 रुपया नून में चला है, मिलो 2000 रुपया निधि पर बताए लिखे राशन मिल रहा है, फ्री राशन का अपने घर से दे रहे हैं, हमसे वसूल ला रहे हैं। सिलेंडर के लिए पहले लाइनों में लगना पड़ता था, अगर सिलेंडर है जब पाइपलाइन हो गई शहरों में कहीं बांट दिया उन्हें जहाज फ्रीज इनको हो गया, उन पर धान तो ना हुआ झटते जो कस्बा में जहाज फेंक दो सारे धान तो जात करांगे। क्षेत्र की सड़कें आज के टाइम में सभी सड़कें सुरक्षित बहुत ही चमचमा रही है। किसानों को बता रहे पाकिस्तानी और दुनिया भर पशुओं की समस्या तो नहीं आपके यहाँ है ना? अब चलो कम से कम 10-12 आदमी बैठे गाँव कथे किनारे, तो आप संतुष्ट नहीं है सरकार से? सरकार जब हमें जो काम अच्छे करेगी बाकी संतुष्ट है। तो कौन सी सरकार को आप देखना चाहते हैं यार? कौन सी को देखना चाहते हैं? जो काम अच्छे करेगी उसको वोट देंगे। इस सरकार ने अच्छे नहीं किए हमें तो ना, इनने एक अच्छो करो बा कश्मीर से बा हटा दी उत्ती बात हमारे सच्चाई मालूम है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर खाली हो रहा है, राम मंदिर की दीवार खेती क्यों बन रहा है? खाली दीवार खेती वो बनाएगी तैयार कर देंगे, मुद्दे ना खत्म टाइम लगेगा उसमें, मुद्दे ना खत्म हो जाएगा वो बनाएगा वो ढाणी कर देंगे। अभी हम कुछ और लोग भी हैं उनसे बात कराते हैं जी। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इस संबंध में? क्या कहना, जो मुद्दा चल रहा है इस समय आगामी विधानसभा करीब है, आप देख रहे हैं सरकार से कितना संतुष्ट है? सरकार काफ़ी विकास करा रही है, कितना संतुष्ट है? सरकार विकास कर रही है, विकास कर रही है, संतुष्ट है, विकास कर रही है। ऐसा नहीं महंगाई है? महंगाई तो थोड़ा बहुत होती है, कोई ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ महंगाई हर समय रही है, कोई नहीं। अच्छा, आवारा पशुओं की समस्या नहीं होगी आपके? समस्या तो पशुओं की तो अब है, तो थोड़ी बहुत तो ऐसे है, रोज भजा रहे हैं रोज पशुओं की समस्या। ठाकुर साहब जो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं, फसलें मेरे सामने की बात है, 8 डंडा लग के यही साड़न भजा रहे हैं, वो तो संतुष्ट है। क्या करें, जो गोरी साहब है मजबूरियाँ इंसान को क्या क्या करा, विकास गिनाइए, विकास विकास कराया, विकास कर रही, देखिए विकास, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, कितने पुल बने आज तक किसी सरकार में, इतने पुल बने हों बताए कोई जी? चाचा कह रहे हैं विकास हो रहा है, सड़कें बन रही, पुल बने हैं, बताओ समय जो है कोई भी बताए चल रहे आपके, ये तो वो है ना आज भी मजबूरियां इंसान को क्या क्या कराती हैं और इंसान खुद नहीं करता, ये इनकी मजबूरियां कहला रही। अरे हमारी मजबूरी फिलहाल ये नवाबगंज विधानसभा का जो गांव है भगुआ बाजार, यहाँ की कवरेज हमने आपको दिखाई, आगे भी इस तरह हम आपको मिलवाते रहेंगे अन्य गाँव में और भी गाँव में कवरेज करेंगे, हम आपको दिखाएंगे जमीनी हकीकत, जो सरकार के वादे हैं सबका साथ सबका विकास, अब तो सबका विश्वास, आगे भी हम आपको जो है इस विकास की जमीनी हकीकत दिखाएंगे। देखते रहिए एवन न्यूज इंडिया, परवेज अंसारी के साथ। एवन न्यूज इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।